वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 का लेसन है नेचुरल हेडर्स ऑफ इंडिया, उसके बारे में समझने वाले हैं। तो आपको मैं कृपया बता देता हूँ कि आप ये लेसन का पार्ट वन हमने बना दिया है और ये दूसरा पार्ट है। तो ये जो है वो पेज नंबर 2 से स्टार्ट होगा। तो आपका ध्यान जो है और वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन से स्टार्ट करने वाले हैं हम। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत देश प्रकृति प्रेमी के साथ साथ प्राणी प्रेमी की संस्कृति वाला भी देश है। भारत में हमेशा वन्य जीवों का महत्व रहा है। हाथी, गेंडा, चीता, वाघ, वरु, रीछ, भालू, सिंह, हरण, हिरण, साबर और रोज जैसे बहुत सारे वन्य जीव भारतीय संस्कृति को विविध स्वभाव बनाने के लिए हेल्प करते हैं। यहाँ के जो डेड बॉडी होती है हाथी की, उसमें से दंत, उसके जो टीथ होते हैं, और लायन और जो टाइगर होते हैं उसकी स्किन को मूल्य जो होता है, उसकी स्किन का मूल्य बहुत ज्यादा होता है। और भारत के अंदर जो राष्ट्र चिन्ह है भारत के, उसमें भी अभी लायन की हमने फिगर रखी हुई है और उसका मूल्य का उसकी महत्व बढ़ाया हुआ है। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए भी कायदे बनाए हुए हैं और उसके लिए हमने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाई हुई है। पॉइंट कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। हिंद मतलब इंडिया जो है उसने विश्व को जो सांस्कृतिक हेरिटेज दिया हुआ है वो बहुत ही ज्यादा वैविध्यपूर्ण है और समृद्ध है। सांस्कृतिक जो है अपना हेरिटेज है, कल्चर हेरिटेज यानी कि मानव सर्जित हेरिटेज, मानव सर्जित वारसा जो हमें वारिस में मिली हुई है। मानवी में मानवी जो है अपनी खुद की बुद्धि शक्ति, खुद की स्किल और कौशल से जो भी उसने प्राप्त किया उसको बोलते हैं हम कल्चर हेरिटेज। हिंद के जो लोग है वो ऐतिहासिक काल से सांस्कृतिक वारसे को संभालते आए हैं और उसने विश्व की प्रजा के सामने ये गिफ्ट दी है। एग्जाम्पल दे तो हम शिल्प पंडरवानी शिल्प जो है यहाँ की वो 5000 साल पुरानी है और जिसकी साक्षी जो है वो सिंधु खंड की संस्कृति है, वहाँ के पुरातन अवशेषों को हम काउंट कर सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल दे तो यहाँ से मिलने वाली दूसरे देवी देवताओं की जो आकृति है वो यहाँ की मानव आकृति है, मतलब जो जहाँ से मिली हुई है। पशु है, थोड़े खिलौने मिले हुए हैं और थोड़े दाढ़ी वाले पुरुष के शिल्प मिले हुए हैं और उसको देखने से लगता है कि हमने अभी भी अपना सांस्कृतिक हेरिटेज है वो संभाल के रखा हुआ है और उसको हम प्राउड फील करते हैं। इसी तरह से मौर्य युग जब था तब उल्टे कमल की आकृति और वृषभ के सिर का शिल्प है, बुद्ध की प्रज्ञा परमिता का शिल्प है, सारनाथ के धर्म प्रवचन वाली गौतम बुद्ध की प्रतिमा और उसके बाद के समय के जैन तीर्थकर की प्रतिमाएं, एलोरा की गुफाएं और बहुत ही ज्यादा जब हम देखते हैं तो मैं उसके सम्मान किए बिना और उसका आदर किए बिना रह नहीं सकते हैं। हम अपने सांस्कृतिक हेरिटेज में राजमहल, इमारत, शिलालेख, स्तूप, विहार, चेतियास, मंदिर, मस्जिद, मकबरा, गुंबज एंड किल फोर्ट है, डोर्स है, उत्कलन है और ऐतिहासिक स्मारक जो है उसका हम समावेश कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम अपने हमारे खुद का जो सांस्कृतिक कल्चरल हेरिटेज है उसको भी एक भाग के रूप में काउंट कर सकते हैं। उसके बाद का टॉपिक है कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। प्लेस जो यहाँ पे है आर्कोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो बहुत ज्यादा बताते हैं वो है लोथल, रंगपुर, धोलावीरा और रजनी श्रीनाथ बर्ड जो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, जिसके जो क्लासेस है ये सभी स्थानों के आर्विक
फैक्ट्री ऑफ टावर ऑफ वडनगर। सो वडनगर का टावर है, वहाँ का पत्थर में लिखा हुआ, और पत्थर में लिखा हुआ किंग अशोक का जो जूनागढ़ का है स्टोन इंस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, उसकी इस बार तो नए सिलेबस में उसका वो भी बताया हुआ पिक्चर। मोटेरा का सन टेम्पल है, चंपाने का गेट है, रुद्र महल है, सिद्धपुर का है, विरमगाम का मानसल लेक है, श्यामा मस्जिद अहमदाबाद की, सुल्तान मीनार है, सेकिंग टावर जिसको बोलते हैं, सिद्धि सेठ की झाली जो है, हाथी सिंह के मंदिर जो है, और सहस्त्रलिंग तालाब जो है पाटन का, ताजमहल जो है वडोदरा का, और मोहब्बत खान की कब्र पारसी अग्यारी और जो है नवसारी की, और बहुत ही ज़्यादा देखने लायक प्लेसेस है। ये प्लेसेस जो है वो धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, महत्व रखते हैं। द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका का जो है शारदा पीठ जगत गुरु शंकराचार्य की है, द्वारका में आई हुई है। सोमनाथ टेम्पल जो है वो एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। अंबाजी जो नॉर्थ में है गुजरात में, बहुचरा जी है पाटन डिस्ट्रिक्ट में है, रणछोड़ राय का टेम्पल है डाकोर में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और सामरा जी जो है वारावली डिस्ट्रिक्ट में है। ये सभी जो है रिलीजियस सोशल और टूरिज्म के रूप में गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस प्लेसेस है। और यहाँ का फॉल ऑफ फॉरेस्ट जो विजयनगर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, लाइट फेस्टिवल, काकरिया कार्निवल, तानारी फेस्टिवल है, नॉर्थन डांस फेस्टिवल है मोडेरा का, रणोत्सव कच्छ में होता है, और सभी टूरिस्ट प्लेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट। जैन एंड बुद्धिस्ट के जो रिलीजन का प्रवेल मतलब यहाँ इंडिया में वो भी यहाँ पे छाए हुए हैं। कॉन्सिक्वेंटली हम देखें तो जैन और बुद्धिस्ट की गुफाएं जो है वो गुजरात में और वडनगर में देखने को मिलती है। तो गुजरात के अंदर वडनगर, तरंगा, खंभाड़िया, सामराजी, कोटेश्वर, तराजा, ढांक एंड सगड़िया में उसकी गुफाएं देखने को मिलती है। और उसके बाद एक टेबल दिया हुआ है, टेबल आपके सिलेबस में है तो आप टेबल अंक लेना। और उसके बाद आता है इंडिया का लैंड एंड पीपल, टॉपिक का नाम है, तो उसमें हम देखते हैं कि इंडिया में कौन सी जो ट्राइब्स है वो यहाँ पे आके बसी हुई थी, मतलब कौन सी